दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट और अकेडमिक क्लास में। तो दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है स्लोलिंग, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, आप सभी लोग मोस्टली लोग घर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें विदाउट फिगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही जल्दी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं टॉपिक पर, ठीक है। तो आपका चैप्टर है स्लोलिंग, ठीक है। स्लोलिज्म जिसे हिंदी में कहते हैं हम न्याय निगमन, न्याय निगमन, ठीक है। तो ये आपका स्लोलिज्म चैप्टर है। तो इसमें से दो पार्ट निकलते हैं इसके, ठीक है। दो पार्ट में पहला पार्ट होता है यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल, ठीक है, और एक होता है पर्टिकुलर, ठीक है। यूनिवर्सल यानी जो 100% ट्रू हो, आप यानी सब लेस देन 100% होता है पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसमें जैसे कहे, जैसे मान लो एक क्लास है, उसमें मैं कहूं कि सभी स्टूडेंट गणित के छात्र हैं, तो वो किसमें आ जाएगा, यूनिवर्सल में आ जाएगा। और मैं कहूं कुछ स्टूडेंट क्या हैं, गणित के छात्र हैं, तो वो पर्टिकुलर में आ जाएगा, यानी लेस देन 100% आएगा, ठीक है। तो इसमें ये दो प्रकार से इसका डिवाइडेशन होता है। तो इसके लिए आपको 100% ट्रू वाला पहले हम कराएंगे। तो 100% ट्रू के लिए आपको एक साड़ी जरूरत पड़ेगी। चलिए वही साड़ी एक बनाते हैं। तो आप ये 100% ट्रू के लिए साड़ी है, 100% ट्रू साड़ी, ठीक है, 100% ट्रू के लिए साड़ी बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखिए पहला सेंटेंस, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। नंबर दो, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, नहीं है। नंबर तीसरा सेंटेंस है, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ठीक है। नंबर चार, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, नहीं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है, सभी होता है, सभी यानी मैं कहूँ सभी कलम, मतलब सभी कलम इस दुकान से खरीदी गई है, या मान लीजिए सभी ये सभी डस्टर, जैसे मान लो डस्टर है, सभी डस्टरों को कह रहे हैं, या किसी ये सभी गर्ल्स, ठीक है, बॉयज, उसके लिए आएगा सभी, यानी 100% है ये, ठीक है। और इसके पॉजिटिव अगर सेंटेंस होता है तो ऑब्जेक्ट के पास 50 होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पास 50, ठीक है। कोई भी, कोई भी यानी कोई भी नहीं है, यानी 100% नहीं है, तो 100% मिलेगा। और इसे जो ऑब्जेक्ट होता है उससे नेगेटिव में 100% मिलता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ ए भी है, कुछ के लिए 50, ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसे भी 50, ठीक। इसे कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ के लिए 50, और नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट को मिलेगा 100, ठीक है। तो ये साड़ी आप बना लीजिए, ये साड़ी आपके काम में आएगी, ठीक है। इसी से आपके सभी सवाल हल होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और अब सवालों पे लुक करते हैं, ठीक। तो इसमें और दो चीज और लिख दीजिए, अभी तो ये हो गया, तो लिख लीजिए यहाँ पे जो सकारात्मक यानी पॉजिटिव होता है, उसमें पॉजिटिव होता है कथन, उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितने दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को कितना देते हैं, ऑब्जेक्ट को 50 देते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ठीक है, उसे हम देते हैं ऑब्जेक्ट में 100, ठीक है।
नेगेटिव में 100 देते हैं, जैसा कि हमने ऊपर साड़ी में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपके पास 100 है, 100 है, तो आप इसको कह सकते हो कि 50, इसको क्या कह सकते हो, 50 कह सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास 50 है तो आप उसे 100 नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अब ये बताइए, आपके पास है 50 रुपीज, तो क्या आप 100 बना देंगे उसके? नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप उसके 50 बना सकते, ठीक है। तो ये अगर जादू होगा तो फिर इसकी जरूरत भाई, 50 50 लिया है आप, 100 बनाए रहे, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50 को 100 नहीं कह सकते, ये क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी नोट कर लो आप, ठीक है, ये पॉइंट आपको हो गए। उसके बाद ये पॉइंट भी नोट करने हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाइए, तो क्वेश्चन यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 पहला क्वेश्चन कह रहा है, सभी आम सेव हैं, सभी आम, ये कथन है, ठीक है, सभी कथन है जी, सभी आम सेव हैं, सभी आम क्या है, सेव हैं। अब कंक्लूजन इस पे है, मतलब निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है, सम एप्पल आर मैंगो, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, आम है, ठीक है, कुछ सेब आम है। नंबर 2 में कह रहा है, सभी सेब आम है। नंबर 3 में कह रहा है, सम मैंगो आर एप्पल, कुछ आम सेब है, आम सेब है, सेब है, ठीक है। नंबर 4 में कह रहा है, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है, आम नहीं है, ठीक है। नंबर 5, कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, सेब नहीं है। तो ये कंक्लूजन दिए हुए हैं आपको, 5 कंक्लूजन दिए हुए हैं, 1 आपको दिया हुआ है, 1 आपको दिया हुआ है कथन, और 5 दिए कंक्लूजन, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और नोट करना है आपको, इसमें पॉइंट नोट करना है, अगर हमारा स्टेटमेंट, हमारा कथन पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलेगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। यानी अगर सकारात्मक बात है तो उससे सकारात्मक ही निष्कर्ष निकलेंगे, और अगर आपके नेगेटिव है तो नेगेटिव ही निकलेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप से हम थोड़ा घटा देते हैं, और आप नोट कर दिया होगा, यहीं पे हम लिख देते हैं अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि आपको आसानी होगी। तो क्या है, अगर नंबर 1 पॉइंट लिए, अगर कथन सकारात्मक है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होंगे, भी सकारात्मक होंगे, सकारात्मक होंगे, ठीक है।
और नंबर दो, अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, नकारात्मक होंगे। ठीक है, अगर सकारात्मक अगर दिए हुए हैं, कथन को सकारात्मक दिया हुआ है तो सकारात्मक निकलेगा, और नकारात्मक दिया तो नकारात्मक निकलेगा। जैसे आप चलो इस क्वेश्चन में आते हैं वैसे देखते हैं, तो सभी आम, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव है, तो इससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकलेगा। यानी जहां जहां भी नहीं दिखाई देगा उसे आप बिना देखे काट दें। ठीक है, तो नहीं, दो सेंटेंसों में नीचे था वो मैंने काट दिया, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि जब कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, उसके बाद सभी के लिए क्या 100, ठीक है, दिया जाएगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट में कितना दिया जाएगा 50। क्यों क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसी ऑब्जेक्ट को 50 मिलता है। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन में आइए, आप पहला कंक्लूजन देखिए, कुछ यानी 50, ठीक है, आम कुछ और 50, क्यों 50? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब देखिए, सेब के पास 50 था, इसके पास, सेब के पास इन्होंने 50 दिया, कुछ सेब आम है, और 100 को इन्होंने 50 कहा, तो 50 कहा तो ये बात सही है, ये कह सकते हैं 50, तो ये सही हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, सभी सेब यानी सेब को इन्होंने कर दिया 100, क्योंकि सभी लिखा हुआ है तो 100 हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा 50, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे सेब को उन्होंने 100 कर दिया, अब 50 को हम 100 नहीं बना सकते, ऐसा कि हाँ हमने नोट कराया था 50 को 100 नहीं बना सकते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कुछ आम यानी 50 कर दिया, और ये भी 50 हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो 50 हो गया। अब 50 हो गया तो देखिए, कुछ आम सेब हैं, तो आम को 50 बोला, 100 था 50 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेब 50 था तो 50 बोल दिया, तो यानी ये भी सही है। यानी इसमें कौन फॉलो करेगा? फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, पहला और तीसरा ही सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। आपने देखा बिना फिगर के इसे हमने कर दिया। ठीक है, तो आगे चलो, आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो, दो में क्या कह रहा है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं, और दो में कह रहा है, कथन है, कथन कथन है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्ली है, कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली है। अब निष्कर्ष ले लो, निष्कर्ष अभी तो देखिए एक कथन चल रहा है, कथन दो भी होंगे, तीन भी होंगे, चार भी होंगे, जुड़ेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी आगे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, घर से दिक्कत आती है। ठीक है, इसमें देखिए पहला निष्कर्ष है, पहला कह रहा है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। नंबर दो, दो में कह रहा है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। नंबर तीन, तीन में कह रहा है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। नंबर चार, चार में कह रहा है, नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है,
कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं है, ठीक है, कोई भी बिल्ली का नहीं है, कुत्ता नहीं है। नंबर पांच, पांच कह रहा है नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, ठीक है। नंबर छह, छह कह रहा है कोई भी कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है। नंबर सात, सात में कह रहा है कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्लियां, बिल्लियां, ठीक है, बिल्लियां लिखिए, कुछ बिल्लियां कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ता नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये निष्कर्ष दिए हुए हैं आपको और ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो कुछ यानी ये पर्टिकुलर में आया है, कुछ का है तो ये 50 आ गया आपका, ठीक है। इसके पास सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के पास भी 50 होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बिल्ली यानी 50 बोल दिया बिल्ली को और कुत्ते को भी 50 बोल दिया, और यहाँ से देखो 50-50 दोनों के पास है तो सेम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस था, इसलिए ऑब्जेक्ट के पास 50 था। अब बिल्ली के पास 100 आ गया क्योंकि ये सभी लिखा हुआ है, तो 100 आ गया बिल्ली के पास, कुत्ते के पास 50 क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस था, तो बिल्ली को हम 100 नहीं बोल सकते क्योंकि बिल्ली के पास 50 था, इसलिए ये गलत, ठीक है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो सभी कुत्ते यानी कुत्ते को 100 बोल दिया, बिल्ली को 50 बोल दिया, और पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए ऑब्जेक्ट के पास 50 है, कुत्ता 100 हो नहीं सकता क्योंकि कुत्ते के पास 100 है ही नहीं, तो ये भी गलत। नंबर चार देखिए, कोई भी यानी सभी कहते हैं ये सेंटेंस, देखो तो निगेटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव अगर कंक्लूजन वो है स्टेटमेंट तो निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं लेंगे, यानी सकारात्मक बात होगा, अगर सकारात्मक बात है तो निष्कर्ष कभी भी मतलब सभी सकारात्मक ही होंगे, नकारात्मक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, तो देखिए कितनी आसानी से अपने इतनी जल्दी हल कर दिया इसको, इसी प्रकार आप इस सिलोजिज्म के सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बस आपको वीडियो को पूरा पूरा देखना है, काफी पार्टों में आपको वीडियो मिलेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, तो उससे आपका सभी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, और ये है ही लास्ट क्वेश्चन रखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, तीन में कथन कह रहा है, कथन में कह रहा है कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, नहीं। अभी तक हमने कितने डिस्कस कर लिए हैं, सभी का केस डिस्कस हो गया है, कोई भी का आ गया है ये डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद कुछ वाला डिस्कस हो गया है, ठीक है। इसके बाद ये रह जाएगा, ये भी डिस्कस होगा नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगी, ठीक है। तो डिस्कस देखिए, डिस्कस नंबर 1, नो पेन इज बुक, नंबर 1, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, ठीक है। नंबर 2, 2 कह रहा है कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है, नहीं है। नंबर 3,
में कह रहा है कुछ बुक पेन नहीं है, कुछ बुक पेन नहीं है, कुछ बुक पेन नहीं है, ठीक है। नंबर चार, चार में कह रहा है सभी पेन बुक हैं, सभी पेन बुक हैं, सभी पेन बुक है, ठीक है। नंबर पांच, पांच कह रहा है सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है, पेन है। नंबर छह, छह में कह रहा है सम बुक आर पेन, कुछ बुक पेन है, कुछ बुक पेन है। नंबर सात, कुछ पेन बुक हैं, कुछ पेन बुक हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आप, तो कोई नहीं के लिए 100 जाएगा बुक के पास, और नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट के पास भी 100 होना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कोई भी, कोई भी यानी 100, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके पास भी 100, ऊपर भी देखेंगे बुक के पास भी 100 है, पेन के पास भी 100 है, यहाँ आपको भी इन्होंने 100 दिया, पेन को भी 100 दिया, दे सकते हैं, तो ये सेंटेंस सही, ठीक। कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन, कुछ में मतलब क्या हुआ 50, और बुक कुछ पेन बुक नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस तो आपके पास 100, तो बुक को 100 दिया और पेन को उन्होंने 50 दिया, तो पेन को 50 दे सकते हैं कि उनके पास 100 है, और बुक को इन्होंने 100 दिया है, बुक के पास 100 था, तो ये भी सही, ठीक है। कुछ बुक पेन नहीं है, कुछ बुक यानी 50 बुक को दिया और पेन को दिया 100, क्योंकि ये नेगेटिव केस है, ठीक है। तो ये फिर क्या हो गया, तो ये भी सही हो गया आपका, ठीक है। वो पेन को 100 बोला, 100 तुम्हारे पास पहले से ही था, ठीक है, 100 हमारे पास पहले से ही था। अब देखिए चौथा, सभी पेन बुक है, यानी ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब पॉजिटिव एक भी कन्फ्यूजन निकलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कर्म था तो पॉजिटिव एक भी नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में क्वेश्चन 3 ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो से को करने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने का प्रयास जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।